नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार पांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा अशोक का पौधा गमले में कैसे लगाएं, ये जमीन में कैसे लगाएं, किन बातों का ध्यान रखना है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अशोक का पौधा दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है अशोक का पौधा। तो इसको हम लगाएंगे, गमले में लगाना या जमीन में लगाना कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, इस पौधे को अच्छे से देख लीजिए, ये अशोक का पौधा बहुत ही लाभकारी पौधा होता है, इसको घर में ज़रूर लगाना चाहिए, तो बढ़िया शुभ माना जाता है इसे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि गमले की मिट्टी किस तरह से तैयार करें। दोस्तों, ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो 2x2 का गड्ढा खोदें, और जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें, ठीक उसी तरह से जो है आपको मिट्टी तैयार करनी है। दोस्तों, ये गमला और गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी, तो ये मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी ली हुई है 50%, और 50% मैंने जो है कंपोस्ट लिया हुआ है। अगर आपके पास कंपोज नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये DAP है, दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये DAP है, बस इतना ही, 7 से 8 दाना मैंने इसमें डाल के रखा हुआ था। तो 3 दिन हो चुके हैं, ये DAP में डाल चुका हूं, अभी नहीं डालूंगा। इसके अलावा ये देखिए, नीम खली है, तो इसको मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला था नीम खली, तो ये भी 3 दिन पहले ही डाला था और मिला के रख दिया हूं मैं। और इसमें खाने का चूना, एक चूने के मतलब एक चना होता है उसके बराबर, तो मिक्स करके मेरी मिट्टी तैयार है। ये देख लीजिए आप, 3 दिन हो चुके हैं, अब मैं इसमें पौधा लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस है आगे बताता हूँ। दोस्तों, ये गमला और गमले में देखिए, ये होल देख रहे होंगे आप, ये जरूर आप होल कीजिए आप, नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इस तरह से होल कर लीजिए, और गमले का टुकड़ा हो या फिर इस तरह के पत्थरे हो, इसको इसके ऊपर रख दीजिए, देखिए इस तरह से। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, अब हम अपना पौधा चेक करेंगे इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जैसे कि देख रहे हैं अशोक का पौधा, तो इसका ये निकला हुआ है, तो हम इसको निकाल लेंगे अच्छे से इस तरह से। तो जैसे कि आप देख लीजिए, अब हम इसको बीचों बीच लगाएंगे, बिल्कुल देखेंगे इसका डायरेक्शन किस तरह जा रहा है, उस हिसाब से थोड़ा सा घुमा लेना है इसको। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, तो दोस्तों अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे इस तरह से मिट्टी डाल देंगे। दोस्तों, ये सब काम करें तो शाम के समय करें, ताकि जो है पौधा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अक्सर आपने देखा भी होगा कि खेत में जो है शाम के समय ही धान बोया जाता है, या सब्जी लगाई जाती है, या बीज लगाया जाता है, तो ये शाम के समय करने से पूरा रात का वक्त होता है पौधे के पास एक्टिवेट होने का, तो वो पौधा जो है जल्द से जल्द एक्टिवेट होता है। तो हमेशा शाम के समय लगाएं, और इस तरह का काम करने के बाद इसमें पानी अवश्य डालें। तो मैंने जैसे कि मिट्टी डाल दी है पूरी, तो पानी अवश्य डालें, ये देखिए अच्छे से मिट्टी भरती है। और हमेशा गमले को 1 से 1.5 इंच खाली रखना है,
ये ध्यान रखें हमेशा जब भी गमले में लगाएं तो जमीन में कैसे लगाना वो मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।